प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं फिर आ गई हूँ मैथ्स की वीडियो लेकर, क्लास चौथी की, जिस चैप्टर का नाम है खेत और बाढ़। मेरी साथी तनुजा रानी के साथ मैं हूँ भारती वर्मा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर में मम्मी को या किसी बड़े को रुमाल पे बॉर्डर लगाते हुए तो देखा होगा ना? या आपने कभी अपनी फोटो पर फ्रेम लगवाया होगा? तो इन सभी के लिए आपको आकृति के सभी भुजाओं का नाप लेना जरूरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं, और ऐसा है कि किसी भी आकृति की जो कि सीधी रेखाओं से बनी हो, उन सभी का योग मिलकर बनाता है परिमाप, यानी पेरीमीटर। तो अब आप समझ गए हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक आकृति दी गई है जो एक वर्ग की आकृति है और जिसकी एक भुजा दिखाई गई है 12 मीटर। अब सबसे पहले हमें आकृति को समझना होगा, जो कि एक स्क्वायर है जिसकी एक भुजा 12 मीटर है। अगर एक भुजा 12 है तो वर्ग की सभी भुजाएं 12 मीटर ही होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसे करने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे, जो कि है चार जो भुजाएं हैं उनको हम जो भुजा दी गई है उससे गुणा कर दें, यानी चार को गुणा कर दिया जाए जो भुजा दी गई हो उससे। तो वर्ग का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है 4 गुणा भुजा। तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल, यानी जिनकी चार भुजाएं होती हैं, उन आकृतियों का फॉर्मूला तो सीख लिया है। अब कुछ इन भुजाओं के बारे में भी जान लें जो कुछ अलग प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं, जैसे कि सामने आपको दिख रही हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि किस प्रकार से आकृति का निर्माण हो रहा है और उसका परिमाप हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको जो है पहले ये पता लगाना है कि सामने वाली भुजा, उसके अपोजिट जो सामने भुजा बना रही है, वो क्या आकृति उसके बराबर बन पा रही है। अगर बराबर नहीं हो तो उसे बराबर करिए नाप के अनुसार, और फिर आप उसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब आपके सामने जो आकृति है वो है आयत, यानी रेक्टेंगल। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, जैसे कि एक भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 3 होगी, और एक 2 है तो इसके सामने वाली भी 2 होगी। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों, कि 2 बार है 3 और 2 बार ही है 2, तो यानी 2 बार लंबाई है और 2 ही बार चौड़ाई है। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जमा करने के बाद जो हमारा जवाब आता है उसको 2 से गुणा करके हमारा परिमाप निकल आता है। इसके साथ जब जोड़ेंगे तो होगा 5, और फिर 2 से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10। साथ ही में यूनिट जरूर लगाएं, जो कि है सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बच्चों क्या सीखा, कि किसी भी आकृति का जो घेरा होता है वो उसका परिमाप होता है, और उसको निकालने का तरीका क्या है, कि उसकी सभी भुजाओं को जमा कर दे तो उसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। चलिए तो अब कुछ प्रश्न उत्तर हो जाएं। तो मुझे सामने दिख रही आकृति का परिमाप निकाल के तो बताइएगा जरा। इसमें एक भुजा या कुछ भुजाएं जो मिसिंग है उन्हें पहले ढूंढिए और फिर उसका परिमाप निकालिए। और इसी तरह से ये आगे दिया गया प्रश्न है, इसे भी हल कीजिए और मुझे बताइए कि इसका परिमाप आपने क्या निकाला। चलिए बच्चों, अब कुछ आगे और हम चीजें सीखते हैं। देखिए, जैसे सामने पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किताबों को एक मेज पे रखा जा रहा है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि मेज पर किताबें कितनी जगह घेर रही हैं? हाँ, ये तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आपको जो मैं सिखाने जा रही हूँ
वैसा करके आप जरूर बता पाएंगे कि कितनी जगह किताबों के द्वारा घेरी गई होगी मेज पर। तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्षेत्रफल बच्चों हम एक वर्ग सेंटीमीटर से निकालते हैं। जिस भी चीज का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है उसे छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है। हर एक वर्ग सेंटीमीटर का हम देखते हैं कि कितने वर्ग में वो पिक्चर जो है वो बटी है। जितने वर्गों में बटी होती है उतनी जगह वो पिक्चर, वो आकृति घेर रही होती है। ये जो आकृति आपके सामने है इसे कहते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, वहीं दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे इसको बीच में से छोटे छोटे बॉक्सेस यानी एक वर्ग के स्क्वायर बॉक्सेस में बांट दिया गया है। यानी जैसे कि क्षेत्रफल निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस भी आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना हो उसको एक वर्ग सेंटीमीटर के बॉक्सेस में यानी स्क्वायर बॉक्सेस में बांट दीजिए। तो जितने टोटल बॉक्सेस होंगे उतना उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे गिन पा रहे हैं तो कुल मिला के कितने बॉक्सेस बन पा रहे हैं, ये 12 बॉक्सेस। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। आपने गुणा के सवाल हल तो करे होंगे ना, जिसमें कुल कतारें पंक्तियाँ दी गई होती हैं, उनमें आपको कुल मिला के बताना होता है कि कुल कितने लोग हैं या कितने फूल लगाए गए हैं मिलाकर। तो उसमें आप क्या करते हो कि उनकी कतार गिन लेते हो ऊपर की और साइड की और उन दोनों को गुणा कर देते हो तो अंदर कितने हैं टोटल वो आपको पता लग जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि उनकी लंबाई और चौड़ाई को जो दी गई है उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका एरिया यानी अंदर का भाग वो कितना घेर रहा है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा दी गई थी, लंबाई और चौड़ाई उनको हमने क्या करना है आपस में गुणा। तो अंदर के बॉक्सेस कितने होंगे 1 सेंटीमीटर वाले या अंदर का पूरा भाग कितना होगा उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में दिया जाता है, उसके साथ उसकी यूनिट लगती है सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको दी गई हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि परिमाप और क्षेत्रफल को लेके जो भी आपको परेशानी थी वो दूर हो गई होगी और अब मैं जो आपको ये प्रश्न दे रही हूँ इन्हें आप अपनी अध्यापिका को फटाफट से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो मैं भी आपके प्रश्नों के उत्तर का इंतज़ार करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। तो बच्चों अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम से।